नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आप सबसे यही अनुरोध है कि आप कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। माना जाता है कि भारत की पहली गौशाला राजा राव युधिष्ठिर सिंह यादव द्वारा स्थापित की गई थी। अब पूरे भारत में गौशालाएं हैं। पहली गो संरक्षण समाज की स्थापना 1882 में पंजाब में हुई थी। हिंदू धर्म में गाय का विशेष महत्व माना गया है। यही वजह है कि गाय को माता का दर्जा भी दिया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में 33 कोटि यानी 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। इसीलिए उनके दर्शन मात्र से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। यही नहीं, गायें पालने और उनकी नियमित पूजा आराधना से अन्य कई तरह की समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। तो आइए गोवर्धन पूजा के इस विशेष दिन पर गौ माता के दर्शन करते हैं। पुराण में गाय की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। इसके अनुसार गौ सेवा और गौ दान करने वाले यातक को यम का भय नहीं रहता। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि अगर घर का निर्माण करवाना हो तो उस स्थान पर बछड़े वाली गाय को बांध दिया जाए तो वहाँ स्वाभाविक वास्तु दोष अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। साथ ही सारे कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाते हैं और धन लाभ होता है।
की नाम अपना? मेरा नाम है आशीष गोयल। मैं सवेरे 6 तकरीबन 2 साल तो लगातार सवेरे 6 बजे 3-4 को लड़के ग्रुप लै के इतने गौशाला सेवा करना आई दी है जी। आगे गाँव में पट्ठे वगैरह पाई दे, चारा पाई दा, देखी दा, सारे ये नोट करी दा भी, क्योंकि गऊ सेवा तो करते हैं पर गऊ सेवा जी अपना सांड वगैरह रखी वो कोई सेवा नहीं करता जी। इधर अभी कोशिश करी दी सवेरे आके थोड़ी सांड सेवा की जाए, उन्होंने पट्ठे वगैरह पाए जान जी। ਤੁਸੀਂ ਗਊਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਨੌਲੇਜ ਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਗਊ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਗਊ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ 16-17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਖਾਨੋ ਠਾਕਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਟੀ ਹਾਰਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਿੰਗਲਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਜੋਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 32-33 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਗੋਇਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਹਾਰਦਿਕ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਵੀ ਜਗਾਉਂਦਾ ਜੱਟਿਆਂ ਅਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਤੋਂ ਅਬ ਹਮ ਆਪਕੋ ਲੈ ਆਏ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੰਦਿਰ ਮੇਂ, ਜਹਾਂ ਗੋਵਰਧਨ ਪੂਜਾ ਬੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਸੇ ਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈਏ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ।
श्री प्रियदत्त शर्मा पंडित जी से जानते हैं कि गोवर्धन पूजा का क्या महत्व है और गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है। जय श्री राधे जी, सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत श्री राधे। आज बड़ा शुभ अवसर श्री गोवर्धन पूजा और अन्नकूट साथ में। मैं पंडित प्रियव्रत शर्मा, श्री राधा कृष्ण स्नेह मंदिर का पुजारी, आज आप सबको बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं दे रहा हूं कि आज श्री गोवर्धन पूजा एवं अन्नकूट। आपको थोड़ी जानकारी दे दूं गोवर्धन पूजा विधि कैसे है। सबसे पहले तो पिछले 3 दिन से लोग माँ लक्ष्मी का पूजन करते आ रहे हैं और दीपावली वाले दिन सभी ने अपने घरों में माँ लक्ष्मी का पूजन किया, आवाहन किया। उसमें सभी ने सिक्कों का पूजन किया, कईयों ने चांदी का, सोने का या पैसे, उनका जो पूजन किया वो सब एक थाली में जो सजा के रखे थे, आज गोवर्धन पूजा जैसे कमल गट्टा लेकर उसी पे रखकर आज उसी थाली में श्री गोवर्धन जी का पूजन करें, आवाहन करें। और गोवर्धन का अर्थ क्या है? गो का अर्थ होता है लक्ष्मी और वर्धन वृद्धि। आज के दिन हम यदि पूजन करते हैं इसका तो हमारे लक्ष्मी की जो है वृद्धि होती है। और श्री भागवत महापुराण में कथा तो आप सबने श्रवण की ही होगी कि किस प्रकार से ठाकुर जी ने गोवर्धन एक उंगली पर उठाया और वो अपनी माँ के हाथ से रोज़ 7 से 8 प्रकार का जो भोजन करते थे, लेकिन लगातार 7 दिन उन्होंने उस गोवर्धन को जब उठाए रखा तो एक भी दिन भोजन नहीं किया। इसलिए जब गोवर्धन जी को नीचे रखा, विराजमान किया, तो उस दिन 56 प्रकार के भोग उनकी माँ ने बनाए और आज के दिन भगवान जी को 56 प्रकार का भोग भी लगता है और इसे अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। आप सब से निवेदन है आज भगवान को अच्छे से भोग लगाएं। और आज क्या जो गोवर्धन की परिक्रमा करता है, क्योंकि इस कलयुग में साक्षात देव गोवर्धन जी ही हैं, साक्षात हमारे ठाकुर जी ही हैं वो, तो इससे आप सबको आज मैं बड़ी शुभकामनाएं देता हूं और यही प्रार्थना करता हूं कि आप सब निरोग रहें और धन धान्य से संपन्न हो, अन्न की कभी कमी ना हो। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। कृष्ण कुमार नंदा जी, और मैं यहाँ का मैनेजर हूँ और जो इनका नाम है मिंटू भैया, ये यहाँ के ग्वाले हैं, थाली देखभाल ये करते हैं। बाकी हमारी गौशाला का नाम है गोविंद गोधाम। हमारे पास 230 गौ माता है और छोटी बड़ी मिक्स करके,
ज़्यादा तौर पर हमारे पास जो देसी गौ माता है होस्टन और दूसरी जो अलग है वो थोड़ी ही कम है, और बाकी हमारा दो टाइम चारा डालता है सुबह 6 बजे और शाम को 4 बजे, और हमारे पास 12-13 गौ माता है जो दूध देती है, बाकी बगैर बिना दूध के हैं। अच्छा, कितना दूध ये देती हैं या फिर आप कैसे इस्तेमाल करते हो उस? हमारे पास जो दूध आता है ना जी, ज़्यादा ज़्यादा 20-25 किलो एक टाइम का होता है। okay. वो हमारे बांध लगी हुई है, जो भी आते हैं हमारे पास अपने आप दूध लेने आते हैं, हम घरों में दूध नहीं देने जाते। हाँ, हमारे पास जो लोग लेकर जाते हैं गौ माता का जो बाथरूम वो भी ले जाते हैं, उसके गौमूत्र जो होता है वो कैंसर के काम आता है और पेड़ी कई बीमारियों के काम आता है। बाकी जो गोबर है वो शुद्ध होता है गौ माता के, जो ज़्यादा हमारे से जिम्मेदार लोग लेकर जाते हैं। ओके। और कितना टाइम हो गया गौशाला चलते हुए? ये गौशाला को हमको 13 साल हो गए हैं। ओके। और जो सामने जो हमारे पास जगह है वहाँ भी गौशाला बन रही है। ओके। और हमारे जो ज़मीन है ये भी पैसे देकर ली है, तो जो सामने ज़मीन है अभी ली है 85 मरले 55 लाख की। ओके। और ये सब जितना पैसा लगता है सारा पब्लिक का है, हम घर घर में जाकर संकीर्तन करते हैं और जितने पैसे मिलते हैं हमारे को वो सब गौशाला में लगते हैं। तो आप जैसे क्या मैसेज देना चाहोगे जो लोग देख रहे हैं, कैसे वो मतलब अपनी गौओं का मतलब कि अपना पालन करें, या फिर जो आप मैसेज देना चाहें? हम तो यही कहेंगे जी, जो गौ माता रखता है ये नहीं कि दूध देना बंद कर दिया उसको घर से बाहर निकाल दिया, ये सबसे गलत बात है। जो अपने बुजुर्गों को घर में रख सकते हैं गौ माता को रखना चाहिए, अगर गौ माता को बाहर निकाल दिया इसका मतलब अपने बुजुर्गों को भी रखेंगे। ठीक है जी, बाकी हम तो यही करेंगे गौ माता की जितनी सेवा होती है आप करो, उससे हमको फ़ायदा ही मिलेगा, कोई नुकसान नहीं होगा। सबसे यही अनुरोध है कि आप कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।